अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों की खांसी दूर करने का सबसे बेहतर और आसान इलाज, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं सबसे पहले आपको उन चीज़ों के नाम बताऊंगी, फिर मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम छोटे बच्चों की जो खांसी है उसे कैसे ख़त्म करें। दो चीज़ें चाहिए इसके लिए हमें, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। सबसे पहले अजवाइन, जो कि सबके घर में होगी, और दूसरे नंबर पर सौंफ, जो कि हर घर में होती है। तो इन दोनों चीज़ों का कहवा बना के छोटे बच्चों को दें, एक से दो चम्मच सुबह और दो चम्मच शाम को। ये आप चार माह के बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन उसे ज़रा एक चम्मच दें एक वक्त में। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह कहवा तैयार करना है। सबसे पहले एक खाली बर्तन लें, उसमें एक गिलास पानी डालें। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें एक चम्मच अजवाइन का डाल दें। और एक चम्मच सौंफ का डाल दें। इसे अच्छी तरह पकने दें। इसे अच्छी तरह पकाना है, इसे इतना पकाना है कि ये एक गिलास से एक कप रह जाए। इसे आप 5 से 6 मिनट पका लें। अब ये जो हमारा कहवा है ना, ये तकरीबन बन गया है। आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों ने पीना होता है तो फिर उन्हें थोड़ा कड़वा ना लगे। हाँ, इस तरह से। हाँ, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब आप इसे छान के कप में डाल लें। हमारा जो कहवा है वो तकरीबन बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। इसे थोड़ा ठंडा होने पे बच्चों को दें, थोड़ा नीम गर्म दें बच्चों को। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ दिन सेव करने के लिए, लेकिन जब भी बच्चों को दें थोड़ा सा नीम गर्म ज़रूर कर लें। और इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बच्चों को जो खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।